मेरा खेती नाल कोई मतलब दूर दूर तक का कोई लेन देन नहीं है। ईवन कि मैंने कभी घर भी दे कोई मतलब बूटा ला के नहीं देखा। तो जिमें कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि लॉकडाउन के सारी चीज़ा सारे व्यापार सब कुछ बंद से, सिर्फ सिर्फ फूड ही कह जी नीड है जिसे कि थोड़ू हर मतलब टाइम के नीड लोड जरूरत है, जरूरत है। जे कहना कोई फार्मिंग की भी करते हैं तो जिम्मे कि मेरे किसान भाई करते हैं कि जमीन चाहिए, वो जमीन चाहिए है। सो एडा प्रोजेक्ट तो मैं नहीं कर सकता सी, ते ना ही इन्नी मैंने मेहनत मेथों होनी सी। अगर आप फार्मिंग ही करनी है फूड दे तो इन कोई से स्मार्ट तरीके नाल किया जाए। बड़ी बड़ी सिटीज से तुम देखे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगे ने, जगह तो थोड़ी होंगी है लेकिन वो की करते फ्लैट्स बना देंगे ने, जगह उन्नी यूज होंगी है लेकिन किन्ने लोग रह पाते हैं क्योंकि स्लैब बाय स्लैब बना देते। असं इदा ही यही फॉर्मूला उत्ते यूज किया, असं स्लैब बनाई है। इस तो पहला भाई तुसी की काम करते सी मतलब इहदे नाल? जे तुसी सुनोगे तो कहोगे बिल्कुल ऑपोजिट है, साडा बिजनेस बिल्कुल अलग है। मैं एक्चुअली मोबाइल की फील्ड के विच सीगा ते हुण भी हैगा। जदों कार्बन डाइऑक्साइड ते ऑक्सीजन की दोनों की आपस में रिएक्शन होंदा गा तो मशरूम तैयार होता है। दो ढाई महीने के डेली थोड़े को फसल होएगी, तुसी डेली उन्हें कटाई करनी है, पैक करना, मंडी भेजना। ईवन कि साढ़े ना तो कई बार ये भी होंगे गा कि लेबर जी साड़ी तोड़ रही होंगी है क्योंकि जिम्मे तुम दस साढ़े 25 फुट का जो है रन है, एक लेबर इधर तोड़ते तोड़ते उत्थे तक जा रही है तो दूसरा पिछों फिर तैयार हो जाता है। मतलब जिनी प्रोडक्शन होती है सारी ऑलरेडी साड़ी पहले सुबह ही मॉर्निंग से बुक हो जाता है, जिन्ना माल होता गा सुबह फोन आ जाता कि अच्छा सानू इन्ना इन्ना माल चाहिए, वो सारा बुक हो जाता तो कुछ बंदे नूं असीं जवाब दिंदे। सत श्री अकाल जी सारयां नूं, अज असीं बरनाले हाँ, बरनाला जिला भी है पर खास तौर दे उत्ते मैं जदों भी कदे खेतीबाड़ी दे संबंध दे विच शूट करन जांदा तो पिंडां दे विच शूट करदा। अज कमाल दी गल है कि सानूं इक शहर दा किसान मिलिया कि जिहड़ा शहर दे विच ही खेती करदा है ते ओह खेती भी बड़ी कमाल दी है। साडे नाल ने बई दीपक कुमार, उहनां नाल गल्लां बातां करांगे। ओह पिछले कुछ समय तों ही मशरूम दी खेती करी जांदे आ ते कोई पिछोकड़ नहीं सी खेतीबाड़ी नाल, पर वक्खरे तरीके नाल इदां दिमाग दे विच लैके आउणा ये अपने आप दे विच इक कामयाबी है ते इक नवीं पैड़ पाउण दी गल है। बहुत सारे जिहड़े कहिंदे कि साडे कोले कम धंदे नहीं हुंदे, ओह तुसीं कुछ वक्खरा करोगे तां तुसीं कामयाब भी होवोगे ते आमदन भी लै सकदे हो। सब तो पहलां बई सति श्री अकाल। सति श्री अकाल जी सब नूं। होर बई कमाल है? बहुत वधिया जी, तुसीं सुणाओ ठीक हो? बहुत वधिया बई। मैं जिवें पहलां कह के हटिया वी इह जिवें आम तौर दे उत्ते पिंडां दे विच खेती खुती करदे ना, खेत उत्थे हुंदे आ ते शहर दे विच आपां उह कर लैणा सोचना लोगों लिए बहुत वक्री गल है, पर तुसी जो करना होगा तुसी आप दे किते दे हिसाब नाल जिहड़े थोड़े बजुर्ग करते रहे जां उहदे च तां तुसी मतलब कोई भी बंदा रिस्क लै सकदा पर आप दे किते तो बिल्कुल ही वक्खरा हो जाना, ये कमाल की गल है। किवें तुसी सोचा किवें दिमाग च आ गई गल? देखो जी जिवें कि मैं इस विषय दे उत्ते पहला भी कई बार गल कर चुकिया गा कि मेरा खेती नाल कोई मतलब दूर दूर तक का कोई लेन देन नहीं है। ईवन कि मैंने कभी घर भी दे कोई मतलब बूटा ला के नहीं देखा। कोई सब्जी जिम्मे कि नॉर्मल घर से लोग सब्जी लगा के देख लेंगे ने गे या गार्डनिंग करके देख लेंगे ने गे, तो मैंने इदा कुछ नहीं कदे करके देखा। बस ये मेरा आइडिया कुछ इस तरह आया कि थोनों पता ही होगा कि पिछे हूँ अपना सबनों मतलब एक लॉकडाउन के बड़ी कोविड करके बहुत ही दिक्कत आई हैं ते जिदे विच हर वर्ग के जिहड़े लोगों नूं मतलब समस्या जिहड़ी फेस करनी पई। सो जिदे विच हुण असीं भी इस चीज़ तों छुट्टे ते रह नहीं सकदे ते जिवें कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि लॉकडाउन के सारी चीज़ा सारे व्यापार सब कुछ बंद सी, सिर्फ सिर्फ जिहड़ा व्यापार चल रहा सीगा, व्यापार कह सकदे जां फिर अपनी कोई जरूरत कह सकदे हां, सब तो जिहड़ी मुख्य जरूरत सीगी जां फूड सी जां दवाइयां सी। बिल्कुल। सो जिदे जिदा कि मैं देखिया कि जिहड़ी दवाइया ने वो एक कह सकते बीमार बंदे वास्ते या तंदुरुस्त बंदे वास्ते तो खैर नहीं है कि बीमार बंदे वास्ते ही है, तो जिहड़ा फूड है वो दोनों वर्ग के लोगों की लोड़ है, हर एक बंदे हर एक बंदे लोड़ है।
तो जिमें कि मैंने देखा कि फूड का जोड़ा है कम मैंने देखा भी किसी पास किसी तरह का कोई वे इफेक्ट नहीं आया तो मैंने जिमें कि देखा जिन्हें देर लॉकडाउन चलिया आपकी नीड देखी भी सिर्फ और सिर्फ फूड ही एक ऐसी नीड है जिसे कि थोड़ू हर मतलब टाइम के नीड लोड जरूरत है जरूरत है सब कुछ बंद हो सकता खाना बंद नहीं खाना नहीं बंद हो सकता तुम खाना नहीं बंद कर सकते कपड़ा बंद कर दोगे गड्डी से आना बंद कर दोगे तेल बंद कर दोगे सब कुछ बंद हो जाएगा लेकिन खाना बंद नहीं कर सकते फिर जिमें कि मैंने देखा कि हूँ हर सीजन के फ्रूट है कि जिदा कि आते हैं उस बहुत जगह भी चाहिए है जो कि मेरे पास इन्नी जगह है नहीं सी तो जे कि कोई फार्मिंग की भी करते हैं तो जिमें कि मेरे किसान भाई करते हैं कि जमीन चाहिए है सो एडा प्रोजेक्ट तो मैं नहीं कर सकता सी ना ही इन्नी मैं मेहनत मेथों होनी सी सो मैं फिर इस देखा थोड़ा रिसर्च किते भी अगर आप फार्मिंग ही करनी है फूड दे तो इनको इससे स्मार्ट तरीके ना किया जाए क्या बात है सो मैं इस बहुत रिसर्च की मैं यूट्यूब पर भी देखा गूगल से भी देखा बहुत रिसर्च की सो जिद मैं एक फूड मिला मशरूम का जो कि बहुत घट जगह दे बहुत कम समय से तो प्रॉफिटेबिलिटी वाला बिजनेस कर सकते हैं फिर इसमें रह गया करन दा तरीका ये भी बहुत जरूरी सीगा बिल्कुल तो जिमें कि मैं अपने रिसर्च कर रहा है तो मैं पता लगे कि मेरे एक बहुत दूर का एक मेरा कजन है जो कि कर रहा है अच्छा थोड़ा मतलब कोई कजन कर रहा हाँ जी जो कि सीजनली फार्म कर देंगे सी क्योंकि ये जो मशरूम का फार्म है ये एक सर्दियों का फूड है लेकिन एक यह जहाँ जी जिन्होंने आप इनडोर भी कर सकते हैं जिदे कोई सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है थोड़ा इसकी तो बहुत कम टाइम के बहुत कम जगह से बहुत थोड़े पानी से जो कि अज के टाइम सब तो कीमती पानी जरूरी है पानी की जी जिस नाल अपने मोस्टवेयर के भी कोई दिक्कत ना आए तो अपनी नीड भी पूरी हो जाए तो नेचर में भी कोई फर्क ना पवे बिल्कुल सब तो बड़ी गलती है तो जिदे मैंने देखा कि मशरूम की खेती मैंने जो सिलेक्ट की तो मैं वधिया लगी तो मैं खुद थोड़ी रिसर्च की इसकी अपने कजन को भी गया फिर मैंने तो पता लगे कि इनडोर यूनिट भी लग सकता है इनडोर यूनिट भी लगा सकता अपने ईवन कि कमरे के भी शुरू कर सकते हो एक जो थोड़े को कमरा 10x10 का कमरा है तो तुम एक नॉर्मल एसी लगा के भी कर सकते हो तो मैंने देखा भी एक छोटे पद्धर से भी कर सकते बड़े पद्धर से भी कर सकते हैं सो मैंने रिसर्च करके देखा तो अपने कजन को जाके मैं प्रोजेक्ट देखा जो कि सीजनली फार्म करते सिर्फ सर्दियाँ सर्दी जिमें कि अजकल कई किसान भाई ने जोड़े झोपड़ियाँ लगा के करते हैं कई फिर मैं के वी के वाले तो ट्रेनिंग ली इस चीज़ की अच्छा फिर ट्रेनिंग लेती जी मैंने ट्रेनिंग भी लीती इसी के वी के तो क्योंकि देखो अगर तुम एक स्मार्ट तरीके कर रहे हो वैज्ञानिक तरीके कर रहे हो तो थोड़ू ऑब्वियसली एक वैज्ञानिक तरीके भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए है पता होना चाहिए तो इस दे विच की है कि थोड़ी जानकारी मैंने लीती तो मैं उतों भी के वी के तो भी मैंने थोड़ी ट्रेनिंग लीती थोड़ी नॉलेज उतों इकट्ठी की थोड़ा मैंने अपनी नॉलेज जिमें कि अजकल यूट्यूब इंटरनेट से बहुत कुछ है सही गल तो कुछ मैं अपने कजन तो भी लिता फिर मैंने सारा कंसैप्ट देख के तो मेरे को आपकी एक लैंड पई सी एक लैंड पई सी तो जिदे मैं प्रोडक्शन चाहता सी उस अच्छी खासी प्रोडक्शन तो हूँ मैंने देखा कि उस जो जगह है अगर जिमें कि नॉर्मल लोग करते हैं लैंड दे करते हैं गमले लगा के भी करते हैं गए तो जिन्नी जगह नीचे स्पेस है उन्ने तो कम होंगे गा तो मैंने उसका एक अलग तरीका देखा भी अगर क्यों ना भी जिमें कि एक सीधी जगह से 10x10 की जगह कितनी जगह गई वो साढ़े को 9x20 जगह है टोटल क्योंकि कई बार बंदे लगता है भी लैंड कितने कोई खास ही लैंड नहीं नहीं जी 9x20 जगह है जिसे असं दो रूम बना रखे ने गए जिसे साइज जो है उसका 25x45 का साइज है तो मैंने उस देखा अगर मैं सीधा एक जगह लैंना जो उत्थे गमले जिमें कि तुम देखा गया एक पोलोथीन लिफाफे रखा है तो जो कि यूज एंड थ्रो है ईवी नहीं भी तुम गमले रखने पैणगे या कुछ सिंपल लिफाफे ने गए तो असं देखिए भी जिनी असं जगह यूज़ कर सकते हैं भी उन्नी जगह उन्नी ही रखे जा सकते हैं बैग तो उस फिर मैंने अपना कुछ मतलब दिमाग लगाया ज रिसर्च की भी क्यों ना अपने स्लैब बाई बन दी है ये जो मैंने आइडिया आया एक्चुअली की है ना कि चाइना के स्पेस में लेके बड़ा मतलब कह सकते कि सोचते हैं गे या हम बहुत जगह जी कि बहुत छोटी सिटीज होंगे ने उत्थे स्पेस में लैके बहुत चीज़ें देख रहे हैं कि वो देखते कम स्पेस के कि हो सकता है जिमें हम सपोज एग्जाम्पल बड़ी बड़ी सिटीज़ से तुम देखे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगे ने गिया
ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਲੈਟਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੈਬ ਬਾਈ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਲੈਬ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਲੈਬ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਪੇਸ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 8 ਰੈਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 8 ਰੈਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ 3300 ਬੈਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 3300 ਬੈਗ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਚਲਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਗ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਕਮ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਟ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਓਬੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗਰਮੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀ ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਏਸੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜੋ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਾਣੀ 300 ਲੀਟਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 300 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਵਰ ਟਾਈਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਦ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਫਾਰਮਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਕੋਬੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਕੋਬੀਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਉਸਦਾ ਈਵਨ ਕਿ KVK ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜਿਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜਿਟ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਖਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸਰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨੀਡ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਗਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫੰਗਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਰਨ ਕਰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹੀ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਉਨਾ ਸਪੂਨ ਰਨ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੀਡਸ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸੀਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹੀ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਧੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਓਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਆ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਇਸਦੀ
तो प्रोडक्शन कढ़ने च भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिमें कि तुसी देख पा रहे हो कि जून जुलाई जड़ा है ना ये बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो इसके के असी तो पहले एक साल तो पूरा ही किया, हुण सानू दूसरा साल कर रहे हैं काम। हुण असी की किया कि जो सीजन शुरू होंदा गा उस तो 3 महीने पहला और सीजन तो 3 महीने बाद, ओके, यानी कि कह सकते 6 महीने ही काम करते हैं असी, ठीक है। तो 6 महीने दे विच भी तुसी मन के चलो भी जिहड़ी साडी वर्किंग हैगी है वो ज़्यादा वर्किंग नहीं होंदी, इहदे विच कम करने वाला ज़्यादा नहीं है, ओके। इहदे विच सिंपली जिवें तुसी देखे तो बैग रखे ने गे जो कि सानी असी कंप्लीट बैग लैके आने, असी बैग लिया के उसे स्टोर के रख दें, उत्थे जिहड़ा बनया उत्थे, हाँ जी उत्थे बैग असी स्टोर के रख दें, टैंपरेचर असी उसका सैट कर दें। टैंपरेचर सैट करने तो बाद क्योंकि जिहड़ी साडी फस्ट स्टेज है ये एक्चुअली की साड़ी जो है 3 स्टेजा काम चलता गा, ओके। फस्ट स्टेज के असं बैग रख दें जिद स्पोन रन करता गा, स्पोन रन करने तो बाद जो अभी देखते हैं भी उस स्पोन प्रॉपर रन कर चुके हैं जिद टैंपरेचर जो नॉर्मल है 23-24 असं टैंपरेचर नॉर्मल रखते हैं। उस तो बाद सैकेंड स्टेज जी है तकरीबन मन के चलो भी 15 दिन बाद 15 दिन असं कुछ नहीं करते, बैग रखते उस तो बाद करे आ जाने, मतलब इन्ना ईजी काम, मतलब थोड़ू तुम सुन के हैरान हो जाओगे, बैग रखे उस तो बाद बंद किया तो घर आ गए। इदा भी नहीं है भी बाहर फसल है बी लाया तो उत्तों मीह पेगा, नहीं जी कुछ नहीं है, इदा की कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ी एसी प्रॉपर चलते रहने चाहिए, दिन के एक चक्कर लगा सकते, 23-24 टैंपरेचर रख दो, हाँ जी हाँ जी, एक दिन के एक चक्कर लगा सकते हो, जो भी जरूरत नहीं समझते कैमरे लगा दो, कैमरे चेक करो, कैमरे चेक सिंपल घर बैठे जी, बिल्कुल। सो थोड़े दूसरे बिजनेस से भी कोई इफेक्ट नहीं पाया, जिम्मे कि मैं इतने बैठा अपने बिजनेस कर रहा, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मेरे कैमरे लगे मैं देख लेना उत्थे, तो तकरीबन मन के चलो भी 15 दिन दे विच रहिंदा गा। 15 दिन तो बाद असी देखते हैं कि स्पोन प्रॉपर रन कर जाता, असी बैग नू ओपन कर लेने जो कि असी पहला बैग बंद रखते हैं। अच्छा पहला जिहड़ा लिफाफा हुंदा बंद हुंदा, हाँ जी उसनू बंद रखते हैं, पानी पुनी छिड़के हुंदा, पानी पुनी जी सारा कुछ बिच्चे कुछ नहीं करना, असी 15 दिन तो पानी नू टच नहीं करना, असी अच्छा वो सारा कुछ पहले ही किया पाया हुंदा गा, क्योंकि इहदा जिहड़ा खाद बनाउण दा प्रोसैस है वह भी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन साडे कोल कि जो कि खाद बनाने का प्रोसैस नहीं है, असी सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं, कंपोस्ट तैयार नहीं करते असी, कंपोस्ट असी रेडीमेड लेके आए जिस लिए थोड़ी खुली जगह चाहिए है, बिल्कुल। तो असी बनी बनाई कंपोस्ट लेके आए जो कि साढ़े लिफाफे के रखी जाती है, लिफाफे बंद करके 15 दिन असू इतने छड़ देने, उस बाद खोलते हैं, खोलन तो बाद उसका एक लैबल बनाने उसका लिफाफे खोल के फोल्ड करके एक लैबल बराबर कर देने, हाँ जी उसने एक बराबर कर दें, उस तो बाद की होंगे एक कोकोबीट होंगी है, बिल्कुल कोकोबीट जिमें कि नारियल का बरूदा जिसनों कहते हैं, जो कि तैयार किया जाता है जिससे कली पैंती है, बाकी कुछ जिदा कि कीटनाशक दवाई, हाँ जी जी मतलब सुकी आती ने जिसन भिना पैदा सौ फुल जाती है, बिल्कुल। उस तो बाद जी उस नारियल जो बरूदा वो लिफाफे उत्ते असं उसकी लेयर बनाने उपरले वास्ते, वो इस करके बनाई जाते ताकि पानी में होल्ड कर सके, ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, इसलिए पानी सिर्फ उपर उपर होल्ड होना चाहिए पानी, असं उसकी लेयर बनाने, लेयर बनाने बाद वो जो कि साडा 1 या 2 दिन का काम होंदा गा, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया 3000 प्लस बैग है साडे कोले जो कि साडे 1 या 2 दिन च मतलब लेयर तैयार हो जाती है, तैयार करन तो बाद उस दे उत्ते असी एसी साडे उत्ते चलदा रहिंदा गा, तो कुछ दिनों बाद 4 या 5 दिन जां 1 हफ्ता असी उत्ते उहनूं छेड़दे नहीं। अच्छा 15 दिनों बाद फिर 1 हफ्ता उहनूं कोई, हाँ उसनूं छेड़दे नहीं गे। उस तो बाद की करते हैं कि जो साडा फंगस है जो जो इस जो रनिंग है वो केसिंग के उपर भी आ जाए जिन्हों असी केसिंग कहने हैं, क्योंकि इस वक्त की जो सारा रूम है बंद है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रन होती रहेगी तो जो स्पोन रन करता रहेगा, जो सू लगता भी हाँ भी इसका पूरा रन हो चुका है, प्रॉपर तैयार हो चुका है, उस जिसनों असं कह दें जाला जिसन कह दें तैयार हो चुका, फिर उस तो बाद असं की करते एक पतली जी लेयर होर चढ़ाने उस उत्ते, हाँ जी केसिंग की, अच्छा 1 हफ्ते बाद एक पतली जी लेयर होते होर चढ़ा उस ढक दें, जिसमें ढकन तो बाद की है इस तो बाद फिर प्रोसैस जो चेंज हो जाता गा। ये मेन टाइम तुम पानी दिता, ये जो असं पहला केसिंग की उस टाइम एक बार पानी लगा जी, हाँ जी उस बाद 1 हफ्ता दे एक बार होर लगेगा, उस तो बाद जो 3rd टाइम जो है जो असं पानी लगावे, पानी लगाने तो बाद उस बाद उसकी केसिंग उपर उपर ले चढ़ाना, उस तो बाद असं इसनों ऑक्सीजन दें, इदा दिते जाते कि जो सा रूम्स ने सारे बंद ने गए, लेकिन शायद तुम गौर किया नीचे छोटी छोटी विंडोज़ लगी हुई है,
विंडो असी विंडो नूं ओपन कर दिंदे आ। ए सी के पिछे जो है ए सी कोई भी हवा ताही मारदा उसनों सर्कुलेट करता रहता जिवें अपने रूम से ए सी लग्या हैगा यह अपने जो रूम के ए सी ही सर्कुलेट करी जाता लेकिन साढ़े ए सी के पिछे एक ओपन विंडो लगी हुई है जो कि इसमें बंद कर दें उस तो बाद इसमें असी ए सी जो पिछों विंडो इसमें ओपन करते जिद करके ऑक्सीजन अंदर आनी शुरू हो जाती है जो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन की दोनों की आपस रिएक्शन होंगे गा तो मशरूम तैयार होंगे गा। क्या बात है। अच्छा हाँ जी तो मशरूम तैयार होंगे जो तक उसको ऑक्सीजन के उपरों लेयर नहीं चलेगी उसका मशरूम बाहर नहीं हों निकलना तो तकरीबन तुम मन के चलो 35 to 40 दिन के साडा फूड निकलना शुरू हो जाता उससे 35 to 40 दिन 35 to 40 दिन ऑक्सीजन दे के रख दें। हाँ जी कुछ टाइम अच्छा कुछ कुछ टाइम हाँ जी वो देखना पैंता गा वो एक अलग साढ़े को मीटर आता गा जिद असी लैवल देख लें कार्बन डाइऑक्साइड लैवल कि गा तो कि ऑक्सीजन लैवल देना गा ओके उस वजह से देख लें जो कि मतलब ऑटोमैटिक काम है। हाँ जी जो कि दिन के एक या दो बार देखना होंगे गा उस बाद जो भी तुम्हें सूटेबल टाइम है तुम रख लो उस टाइम चैक कर लो तो मन के चलो 35 to 40 दिन बाद थोड़ा उस जो है मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा डेली तुम कटिंग करो डेली मंडी से जाएगा डेली निकलेगा। अच्छा ये नहीं है तुम अज तो जो इनू शुरू कर दो लिया के लफाफे रखे है उस तो किन्ने चिर बाद जी कटाई है जां हार्वेस्टिंग शुरू कर दें सर उ कटाई जी है 40वें दिन शुरू हो जाती है इसकी 40 दिन जिस दिन बैग रखे उस 40वें दिन शुरू हो जाती है। अच्छा सब तो वधिया मतलब ये प्लस पॉइंट है कि कितना समा तो ले सकते हो मान के चलो ये साडा कंप्लीट बैच जो चलता गा 2 to 2.5 महीने का चलता साडा बैच उस तो बाद फिर असं खाद चेंज करते हैं 2 to 2.5 महीने के डेली थोड़े को फसल होएगी तुम डेली कटाई करनी है पैक करना मंडी भेजना। अच्छा रोज उस की कटाई डेली निकलता रहता वो एक्चुअली की ना सब तो फास्ट जो है ना ये ग्रोथ करता गा ईवन कि साढ़े ना तो कई बार ये भी होंगे गा कि लेबर जी सा तोड़ रही होंगी है क्योंकि जिम्मे थोड़ा दस साढ़े 25 फुट का जो है रन है एक लेबर इधर तोड़ते उत्थे तक जा रही है तो दूसरा पिछों फिर तैयार हो जाता है इदा इन्नी फास्टिंग होंगी है फिर ग्रोथ मंडी के सिंपल है कोई दिक्कत वाली गल नहीं असं जिन्ना भी माल पैक करते हैं कुछ लोकल चला जाता कुछ साढ़ा लुधियाने चला जाता गा तो डिमांड आती रही है लुधियाने भी भेज देने बठिंडा संगरूर चंडीगढ़ तक भी भेज देंगे दिल्ली तक भी भेज देने डिमांड तो है इसलिए कोई दिक्कत पैसे सानू लोड पैंदी नहीं है नॉर्मल साढ़ा लुधियाने बरनला बठिंडा हाँ जी बरनला पंजाब तो पूरा करना ही नहीं पैंदा जी मतलब जिनी प्रोडक्शन होंगी है सारी ऑलरेडी साड़ी पहले सुबह मॉर्निंग से बुक हो जाता साढ़े जिन्ना माल होंगे गा सुबह फोन आ जाता कि अब सू इन्ना माल चाहिए वो सारा बुक हो जाता तो कुछ बंद असं जवाब दें ईवन कि फिर अगले दिन लिए उसका शड्यूल असं सैट कर लें जिन्होंने अज देता तो उन्होंने कलू मतलब नहीं देंगे जिन्हें तो रह जाता उन्होंने कल दे दें फिर उस बंद रखना पैदा क्योंकि जिनी प्रोडक्शन है उन्नी दे सकते एक जो लिफाफा है एक किन्ने किलो मशरूम पैदा कर देंगे वो एक लिफाफे जी ऑन ऑन एवरेज जी आती है 2 किलो की एवरेज आ जाती है भी 2.5 महीने 2 किलो तक वो। हाँ जी एक महीने के मन के चलो तुम तकरीबन क्योंकि 40 दिन तो उस लगती है असी तो उस तो बाद एक महीने की प्रोडक्शन आ जाती है डेली निकलता रहता गा डेली तोड़ते रहने डेली सेल होता रहता गा ये कंसैप्ट चलता रहता बस यदा बड़ा वधिया दस्सिया तुसीं इन्ने डिटेल तरीके नाल इहदे ते कोई सबसिडी वगैरह भी हैगी सरकार दीआं कोई हैगीआं सहूलतां सरकार वालों कुछ सहूलत है तो ही लेकिन असीं कोई सहूलत लीती नहीं गई। अच्छा। क्योंकि मेरे को टाइम की कमी होने करके थोड़ा जिहा ये दिक्कत सी कि सरकार की थोड़ा तुहानूं है इस बारे नॉलेज मैंने जितना तो आइडिया है जी तक 40% तक की सबसिडी है जी इस उत्ते। अच्छा हाँ जी ये सारा प्रोजेक्ट लाने वास्ते। हाँ जी बहुत वधिया तुसी कर रहे हो तो गां तुसी इदां भी सोचे भी कुछ होर ये वधाउणा है जां। हाँ जी उस हुण असीं प्रोजेक्ट नूं थोड़ा जिहा अच्छे लैवल ते लैके जाण दी सोच रहे हां बहुत साडी प्लानिंग है चल रही है इस ते ते बहुत जल्दी थोड़े चैनल च ही दुबारे फिर मिलेंगे जिद विच असीं दिखावांगे साडे दुबारे प्रोजेक्ट जो कि बहुत अच्छे स्केल ते लैके जा रहे हां असीं। नहीं नहीं बहुत वधिया गल्ल है। हाँ जी जो कि हुण तुसीं देखा साडे हाले 2 रूम बणे ने ते साडे आने वाले टाइम दे विच असीं मल्टीपल रूम लैके जावांगे इहनां नूं। ये बई जिहड़ा उह तुसीं दस रहे हो मैनूं भी झोंपड़ियां बना के भी कीता होया उहदा ते थोड़ा इहदे च की फर्क है जिहड़ा थोड़े वाला बणिया होया ते इह कहदा बणिया होया माड़ा जिहा इहदे बारे दस्सो। इह जी एक्चुअली साडा बणिया होया इह पफ पैनल दा जिवें कि तुसीं देखिया ना कोल्ड स्टोर हुंदे नेगे क्योंकि इहदे विच टैंपरेचर मेनटेन करना जरूरी है। इह एक्चुअली की है कि इहदे विच तुसीं जिवें देख पा रहे होगे मैं तुहानूं दस्सिया सर्दियां दा फल है इह
जो कि नवंबर दसंबर जनवरी तीन महीने ही होंगे, तुम दसंबर तो जनवरी ही बन के चलो, तुम ये दो महीने ढाई महीने फसल होंगी इसकी। उदो टैंपरेचर जोड़ा होंगे गा 16 डिग्री तो भी नीचे चला जाता गा, जिम्मे 14 डिग्री हो जाता, 15 डिग्री, 12 डिग्री तो इस लैवल से आ जाता। हूँ तुम जे वो टैंपरेचर मेनटेन करना गा तो थोनू जोड़ा है कि जो यूनिट इस तरीके बनाना पेगा ताकि उस टैंपरेचर मेनटेन कर सको, जो कि आप आम रूम के कुछ टाइम लिए तो मेनटेन कर लाँगे, तो जो कि झोपड़ी के आप नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। तो घर भी खैर मेनटेन हो जाते, वो ज़्यादा देर चलता रहेगा एसी। ये यह कि थोड़ी इलैक्ट्रिसिटी भी बचती है, बिजली बचती है, क्योंकि जो कि मैं तुम्हें दसा कोल्ड स्टोर का कंसैप्ट ही है सारा ये। कोल्ड स्टोर के जो कि असं बनाया गया पप पैनल बनाया गया, जो कि बाहरले टैंपरेचर अंदर नहीं, तो अंदरले टैंपरेचर बाहर नहीं जा देता, टैंपरेचर मेनटेन करके रखता गा। इस करके असं पप पैनल का त्याग। सर्दियों के भी एसी लाना पैंदा अंदर? सर्दियों में तो खैर नहीं एसी लाते, क्योंकि असं सर्दियों में चलाते नहीं गए, लेकिन सर्दियों में एसी चलाने की लोड़ पैंदी नहीं, क्योंकि जिवें कि मैं तुहानू दस्सिया झोपड़ियों के, क्योंकि टैंपरेचर तो वैसे ही सही रहिंदा गा, लेकिन जो जो झोपड़ियों के लगाते हैं वो कुदरत ते डिपेंड होंदे ने। जिवें मान लो तुसीं देखदे हो कई वार आपां देखदे हां अज बहुत ठंड है, अगले दिन बहुत तेज़ धुप निकल आती है, तो टैंपरेचर मेनटेन नहीं होंदा, जिदे करके की है कि जो ऑफ सीजन का जिहड़ा होंदा गा सीजन वो बहुत लंबा चलता गा। जो तो सर्दी अच्छे मेनटेन वधिया रहिंदा, ठंड वधिया पैंदी है तो प्रोडक्शन वधिया निकल आती है, जो ठंड नहीं पैंदी तो प्रोडक्शन घट जाती है। साडी प्रोडक्शन इक्को जी रहिंदी है, उहदा रीज़न है क्योंकि असीं उसनूं डोज़ इक्को जी दे रहे हैं, टैंपरेचर मेनटेन है, पानी का लैवल ठीक है, तो इस करके प्रोडक्शन प्रॉपर आती है। जिदा का मोस्टवेयर चाहिए गा फूड में उस टाइप का असं दें उस जिस टैंपरेचर जिन्ना चाहिए गा, जिस टाइम तो उसको 23-24 का टैंपरेचर चाहिए असं 23-24 का दें, जो 16 का चाहिए उसको 16 टैंपरेचर भी दें। इदा मेनटेन ट्रेनिंग दे विच यही चीज़ां सिखाईयां जांदियां भी तुसीं कितना जिहड़ा हैगा वो पानी देना है, जां किस समय की करना, जां किस समय तुसीं नारियल दा बरादा कही जांदे हो, जां इह सारी चीज़ां। इहदी भी इक टैक्नीक है जी, इहदे विच टैक्नीक इह है कि जिवें कि मैं तुहानूं दस्सियागा भी उपरले पासे जो कि असीं केसिंग दी लेयर लगाने हैं उसनूं असीं पकड़ लैंदे हैं, चिंडी दे विच पकड़ लैंदे हैं दोनों उंगलां दे विच, उसनूं असीं हल्का जिहा दबा के देखदे हैं, जदों इहदे विच जोर के दबाउण नाल पानी चमक रहा गा तां उह लैवल सही है। अच्छा, जे ज़्यादा निचड़ रहेगा तो पानी ज़्यादा गा, उस नाल की है कि तुसी पानी ज़्यादा लगा दोगे, पानी की वेस्टेज है, प्लस थोड़ी जी प्रोडक्शन वो स्लो हो जाएगी, उस जो पानी का लैवल थोड़ा ठीक है तो प्रोडक्शन अच्छी आएगी। क्या बात है भाई, बहुत कमाल दी गल्लां कीतीयां तुसीं, बहुत नज़ारा आया। खास तौर के उत्ते जिहड़ियां तुसीं इह गल्लां दस्सियां भी किस तरीके नाल स्टैप बाय स्टैप किवें कर सकदे आ, हाँ जी, तो बड़े अपने जिहड़े देखण वाले आ किसानां दे जिहड़े मुंडे आ उन्होंने भी सेध मिली होगी, तो बहुत नज़ारा आया गल्लां बातें सुन के। तुसी नवा जिहड़ा प्रोजैक्ट करोगे उहदियां भी तुहानू वधाइयां, तो होर भी तुसी वधिया करदे रहो। खास तौर दे उत्ते मैं तो यह कहना भी जिहड़ा पंजाब है इहनू गुड़ती मिली हुई है पैदा करन दी, बिल्कुल जी, तो तुसी भी उहदा हिस्सा हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया साडे नाल गल्लबात करन लई दोस्तों। बहुत नज़ारा आया गल्लां बातें सुन के, तुसी भी सुनो, सत श्री अकाल।